सो वॉट वी हैव डिस्कस्ड बेटा टिल हेयर वी हैव डिस्कस्ड ओके नाउ कमिंग टू बी पार्ट इट्स ITS ओके इट्स इज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ इट इट का जो पोजेसिव फॉर्म होता है वो क्या होता है इट्स होता है विदाउट अपोस्ट्रॉफी इसमें अपोस्ट्रॉफी नहीं लगती है जब भी हम लोग बेटा पोजेसिव फॉर्म दिखाएंगे इट की उसमें हम लोग सिंपली लिखेंगे ITS उसमें अपोस्ट्रॉफी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है ओके नॉर्मली वी यूज़ अपोस्ट्रॉफी टू शो द पोजेशन बट इट्स डजेंट नीड वन लेकिन इट को अपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं होती है ओके नाउ कम टू नेक्स्ट पेज सी द एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन गिव द डॉग इट्स बोन Give the dog its bone. Now see this it. This is the possessive form of it. Okay? Without apostrophe. यहाँ पे हमने dog के bone की possession की बात की कि dog को उसका अपना bone दे दो possession की बात हुई So which it will be used? This it will be used without apostrophe. Okay? Now coming to second one. The city has decorated all of its official buildings the city has decorated all of its official buildings now ye wala it phir se wahi possession dikha raha hai so that means we will use this it okay without apostrophe understood bachcha now coming to next page its versus it that is with apostrophe and with apostrophe now see beta examples of its ITS इट के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे ये क्या होता है पोजेशन दिखाना होता है इट का पोजेसिव फॉर्म होता है इट ये जो है आपका जो इट्स है ये आपका पोजेसिव फॉर्म होता है किसका इट का ओके देर इज़ नो अपोस्ट्रॉफी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेशन ऑफ इट जब भी इट की बात करते हैं पोजेसिव केस की बात करते हैं तो इट में कभी भी आपका अपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है ओके ओनली एस इज एडेड द डॉग वॉज प्लेइंग विथ इट्स टेल नाउ सी द एग्जाम्पल बेटा द डॉग वॉज प्लेइंग विथ इट्स टेल सी दिस इट को देखो बेटा पोजेशन दिखा रहा है डॉग अपनी पूंछ के साथ खेल रहा था सो यहाँ पे इट कौन सा यूज हुआ ITS बस इसमें कोई भी आपका अपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा ओके बच्चा नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर टू व्हेन यू सी इट्स आईज ओपन यू शुड रन नाउ अगेन यू सी द यूज ऑफ इट पोजेशन की बात हुई है किसी की आंख खोलने की बात हो रही है यानी पोजेशन की बात हो रही है बेटा दैट मीन्स ITS विल बी यूज्ड ठीक है नाउ दिस एग्जांपल ऑफ इट्स वेयर वी यूज अपोस्ट्रॉफी प्लस एस जहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं वहाँ के एग्जांपल्स कैसे यूज़ करेंगे देखो बेटा सी एग्जांपल नंबर वन इट्स टाइम टू लीव राइट नाउ इट्स जहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है ठीक है इसका मतलब हो गया से दिस एग्जांपल इट इज़ टाइम टू लीव राइट नाउ ओके सो इट इज़ लिखने के बजाय हम लोग ने क्या लिखा इट्स हम लोग ने अपोस्ट्रॉफी लगा दी ITS इट अपोस्ट्रॉफी एंड एस कम टू एग्जांपल नंबर टू मेक श्योर इट्स रिटन करेक्टली दिस टाइम मेक श्योर इट्स रिटन करेक्टली दिस टाइम नाउ सी इट यहाँ पे भी बेटा वही है मेक श्योर इट इज़ रिटन करेक्टली दिस टाइम तो ये जो इट है आपका इसका मतलब हो गया इट इज़ तो इट इज़ लिखने के बजाय वी हैव रिटेन इट्स यूजिंग एन अपोस्ट्रॉफी नाउ कम टू लास्ट एग्जांपल इट्स द बेस्ट ऑप्शन अगेन इट्स द बेस्ट ऑप्शन ITS अपोस्ट्रॉफी इन एस सो यहाँ पे ट्राई सेइंग दिस एग्जांपल बेटा इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन तो instead of writing it is, we have written its using an apostrophe. Okay.